सभी जो है दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो जो अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो जेई मीन्स 2019 का जो है क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन कब का है, जेई मीन्स मैं ये चेक कर ले रहा हूँ। तो ये आपका है अभी भी क्वेश्चन 2019 का ही है ना। ये कब का है, जी मीन्स टू थाउजेंड नाइनटीन में ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू जो मोशन इन प्लेन का कर रहे हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। इसका मतलब है हम लोग 5 क्वेश्चन कर रहे हैं मोशन इन प्लेन का, और जेई मेंस 2019 में इसका मतलब इतना क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में। और भी सिर्फ किस चैप्टर से, मोशन प्लेन से 2019 में। तो अगर सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार फीडबैक मुझको दीजिए कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपसे बहुत बहुत ही रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या करिएगा, एक बार फीडबैक दे दीजिए बस, ठीक है। और कुछ मत करिए, ये बता दीजिए कि क्या वीडियो में दिक्कत है, दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और या विजन की क्या चीज़ की दिक्कत है, ठीक है, तो आप बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है, जे मीन्स 2019 मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो है आपका क्वेश्चन, टू फोर्सेस पी एंड क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2F एंड 3F। टू फोर्सेस है पी और क्यू जिसका मैग्नीट्यूड है 2F एंड 3F, आर एट एंगल थीटा एंगल पे है विथ ईच अदर। इफ द फोर्स Q is double, then their resultant is also double। अगर Q force को double कर दें, उसका resultant भी क्या हो जाता है, double होता है, then the angle theta is, तब angle की value क्या होगी, मतलब angle कितने angle पर इसको रखा गया है कि दोनों का magnitude force का 2F and 3F है, और angle theta जब इसको double कर देते हैं, force Q वाले को double कर देंगे, ठीक है, और resultant भी double हो जाता है, तब थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप लोग एक बार ध्यान से, आपको टाइमिंग देते हैं, आप लोग पहले स्टार्ट कर दीजिए करना, तब हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा सा जो है फीडबैक दीजिए मुझको, थोड़ा सा कि कहाँ पे आप मेरी दिक्कत आ रही है, ठीक है, व्यू कहाँ पे नहीं आ रहा। कोई अगर आप सलाह भी दे सकते हो कि व्यू कैसे आएगा तो वो भी बता दीजिए, क्यों नहीं आ रहा वो भी बता दीजिए, ठीक है। तो मुझको थोड़ा सा आप मुझको सजेस्ट करिए कि क्यों व्यू नहीं आ रहे, ठीक है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहाँ पे मैं गलत कर जा रहा हूँ जिससे व्यू नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आइए जो है देख लेते हैं कैसे लगाना इसको। देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला अगर होता है, तो अगर हम आर स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और यहाँ कास थीटा हो जाता है, ये फॉर्मूला आ गया आपका। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको आर स्क्वायर ही रहने दिया। पी का जो फोर्स है वो टू है, तो फोर एफ स्क्वायर हो गया, प्लस q का जो है तो पी क्यू है, 3×9F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 p की वैल्यू कितनी हो गई, 2F हो गई, और q की वैल्यू आपकी हो गई 3F हो गया, और यहाँ cos थीटा ऐसे ही। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व नहीं करते, इसको फर्स्ट इक्वेशन आपको कंसिडर कर लेना। ऐसे दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या कर दें, बोला है कि रिजल्टेंट डबल होता, तो यहाँ 2 करके इसका स्क्वायर करते, ये रिजल्टेंट डबल हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो हमारा जो p है तो वही है, तो 4F स्क्वायर होगा, और प्लस q की वैल्यू कितनी है, तो q बोला है कि डबल कर देना, तो 3×2 = 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर एक तरह से यहाँ हो जाएगा 36F स्क्वायर प्लस 2, और 2F ऐसे रहेगा, और यहाँ कितना होगा, डबल करेंगे 3×2 = 6F होगा, और कास यहाँ हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई, इट मीन्स यू अंडरस्टैंड दिस मेथड। फर्स्ट क्या है, दिस इज एनालिटिकल मेथड, क्या होगा, ये एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर का। तो आर स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कास थीटा। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू है
2f एंड q की वैल्यू 3f है एंड देन पुट r स्क्वायर इक्वल 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f cos थीटा। अगेन क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फोर्स q इज डबल देन द रिजल्टेंट आल्सो डबल। तो रिजल्टेंट r स्क्वायर को 2r स्क्वायर करके रिजल्टेंट डबल कर देंगे, यहाँ कितना जाएगा, p की वैल्यू सेम है 4p स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब q की वैल्यू 3 है उसका डबल करेंगे 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36p स्क्वायर f स्क्वायर प्लस 2 इंटू p की वैल्यू 2f एंड q की वैल्यू हो जाएगा, यहाँ डबल करेंगे 3 2 6f एंड cos थीटा। अब इसको करना क्या, यहाँ देखिए आप ये 2r की वैल्यू इतना है और यहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 लिख के r की पूरी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं ऊपर से रख देते हैं, तो कितना होगा 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 12f स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू, ठीक है क्या कर दिया, r स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ सेकंड में ला के पुट कर देंगे, तो आगे आपको मिल जाएगा 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 6 24f स्क्वायर cos थीटा। ओके अब इसको सॉल्व कर लेना, देखिए वहाँ मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, यह सब में कॉमन f स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 48 cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे 4 प्लस 36 प्लस 24 cos थीटा, ठीक है। अब करना क्या, 36 से 36 कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ इसको ले जाएंगे तो ये बचा हमारा 12 और इसको इधर लाएंगे इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 24 cos थीटा बच गया, इसको इधर लाएंगे तो cos थीटा इक्वल कितना हो गया 12 अपॉन -12 अपॉन 24, इसको इससे काट देंगे तो -1 अपॉन 2 आ गया। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा cos थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है -1 अपॉन 2। सबसे पहले करना क्या था, रिजल्टेंट का इक्वेशन फॉर्मूला लिखना है, फिर इसमें वैल्यू जो दिया है पी क्यू की पुट कर देना है, फिर उसके बाद क्या होगा क्यू को डबल करके रिजल्टेंट को डबल करके ये इसमें रख देना है, फिर आर की वैल्यू अगेन फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में पुट करके मल्टीप्लाई करके और एफ स्क्वायर सब में सेम है काट देना है। उसके बाद क्या करना है, नंबर को एक साइड लेना वन साइड और जो cos उसको ट्रांसपोज करके उसके बाद क्या करना है कि cos थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 24 माइनस। अब ये बता सकते हैं आप कि ये थीटा की जो वैल्यू होती है तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे 120, cos थीटा 120 की जो वैल्यू होगी मतलब थीटा की वैल्यू 120 होगी -1/2, तो ऑप्शन आपका कौन सा मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, डी वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने देखा बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, आप प्यार बनाइए मुझ पर और मुझे फीडबैक बता दीजिए कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर आपको मुझसे ज़्यादा पता है तो आप ये भी बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे व्यू आने लगे, क्योंकि वीडियो पर थोड़ा व्यू आता है, मान ली चलिए मेरी वीडियो में 5-10 भी व्यू नहीं आते हैं, तो अगर 100-200 भी आते हैं तो मुझे क्या होगा, थोड़ी सी वीडियो आपके लिए मैं ज़्यादा और ज़्यादा टाइमिंग देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आप बात पे ध्यान में रखिए और मुझे सजेशन करिए, तो ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।